Malaki! Jai! Balon Malaki! Jai! Balon Malaki! Jai! Balon Malaki! Jai! ड्रैगन की कलेजी पर फिर लौटेगा सांप, फिर जलेगा चीन का दिल, अक्टूबर के महीने में भारत जो युद्धाभ्यास करने जा रहा है वो चीन की बेचैनी को एक बार फिर बढ़ा देगा। इस युद्धाभ्यास के लिए भारत ने चुना है चीन से सटा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, जिसमें भारतीय थल सेना की माउंटेन कॉर्प्स और वायुसेना के 5,000 जवान हिस्सा लेंगे। ये एक बेहद ही बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जिसके दौरान देश के पूर्वी मोर्चे पर हूबहू युद्ध जैसे हालात तैयार किए जाएंगे और उनसे निपटने का अभ्यास किया जाएगा। चीन की ही सीमा पर तैनात भारत की नवनिर्मित 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का ये अपनी तरह का पहला अभ्यास होगा। भारतीय सेना इस अभ्यास के लिए बीते 6 महीने से तैयारी कर रही है। इसमें तेजपुर स्थित भारत की 4 कोर की टुकड़ियों को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक उच्च ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किया जाएगा, जबकि 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के एक ब्रिगेड आकार के बल, जिसमें 2,500 से अधिक सैनिक होंगे, उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। एयरलिफ्ट करने के लिए सेना अपने परिवहन विमानों C-17 ग्लोब मास्टर, C-130, जे सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमानों का उपयोग करेगी। युद्धाभ्यास में 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लाइट हॉविट्जर तोप के साथ युद्धक टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू विमानों समेत बख्तरबंद रेजिमेंट भी शामिल होंगे। चीन से लगे पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के समय 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में भी बदला जा सकेगा। भारत का ये युद्धाभ्यास चीन की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी होगा।